नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, कल बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस विश्व योगा दिवस है। इंटरनेशनल योगा डे की बहुत ही महत्वपूर्ण थीम, जैसा कि आप जानते होंगे, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। योग एक प्रकार का दर्शन है, योग एक प्रकार की साधना है, योग एक प्रकार का समर्पण है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सभी विश्व के जो भी दर्शक मेरे कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल से अभी जुड़े हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि कल प्रातःकाल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप मानवता के लिए योग करें। योग एक ही दिन के लिए या किसी संगीत समारोह या किसी आयोजन, किसी प्रकार की क्विज और इनाम जीतने के लिए नहीं, अपितु अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रखिए। योग का एक नियमित आप संकल्प रखें, योग का एक नियमित दिन रखें, योग का एक नियमित चरण रखें कि हमें रोज़ एक महत्वपूर्ण समय पर प्रातःकाल में योग करना है और अपने आप को निरोग करना है। योग से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मानवता के लिए समर्पित यह योग ये ऐसी प्रेरणा देता है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महर्षि पतंजलि द्वारा बनाया गया जग कल्याण के लिए, जग के चिकित्सा के लिए और मानव जन के कल्याण और चिकित्सा के लिए था। योग एक साधना थी, योग एक उपचार था, जिसको कि अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। योगा करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो योगा के लाभ को समझ रहे हैं, इसलिए आप अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योग के इस महत्वपूर्ण महत्व को समझें और योग जरूर करिए। देखिए, योग जो है एक दर्शन है। योग की अगर मैं महत्व की बात करूँ, योग बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, योग बहुत महत्वपूर्ण एक परिकल्पना है। योग कर कर आप अपने मन को, आप अपने तन को एक महत्वपूर्ण काया प्रदान कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मानवता के लिए आप योग करेंगे। जिस प्रकार से आपने विश्व पर्यावरण दिवस पर मानव कल्याण के लिए वृक्ष लगाया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहभागिता ली, तो इसी प्रकार की ऐसी सहभागिता की अपेक्षा मैं पूरे विश्व से करता हूँ। और जो भी महत्वपूर्ण योग के प्रति आकर्षित विद्यार्थी हों, वह सवेरे ही पार्कों की तरफ निकलें, घर में ही स्वच्छ स्थान पर योग करें, मन और तन की शांति और पूरे विश्व में लोक चेतना का एक संदेश प्रसारित करने के लिए योग कर कर आप यह प्रदर्शित करें कि योग जो है मानव और मानव कल्याणार्थ और मानव रक्षार्थ, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा और रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिया है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अपने परिकल्पना को और अपने स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण काया मिला सकते हैं, अपनी काया को सुधार सकते हैं। योग एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति रही है भारतवर्ष में। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और आदि काल में योग क्रियाएं करते थे, योग कलाएं करते थे और योग के द्वारा महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति को एक नई दिशा मिली, जिसकी इस पद्धति के महत्व को आज हम पहचाने और जाने तो फिर हम योग के प्रति दोबारा आकर्षित हुए हैं। पूरे विश्व के महत्वपूर्ण योग विद्यार्थियों से और योग के प्रति रुचि रखने वाले हर एक मानव से और हर एक मानव के जन के योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो कॉन्सेप्ट रहा है, ये इसलिए रखा गया है इस वर्ष 2022 में कि आप मानव के जन कल्याण के लिए और मानव के हित के लिए ही योग करें, क्योंकि योग जो है शरीर को स्वच्छ और सुरक्षित रखता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। इसी प्रकार के उद्बोधन के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप भारी मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।